ओके फ्रेंड, तो देखिए अब हम आ गए हैं ऊपर, और ऊपर से जो मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे दो पार्ट्स में हमने आयरन को ऊपर किया हुआ है, अब उसको जॉइंट मार रहे हैं। जॉइंट मार के उसको एक सिंगल पीस बना रहे हैं। देखिए और ये है पूरा मजरा। मजरा यानी क्या बोलते हैं इसको, खेती वाली जगह। तो यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, देखिए हवा भी काफी तेज चल रहा है। ये काम थोड़ा टफ है और हार्ड भी है। लेकिन काम तो काम है, काम करना पड़ेगा। काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और ये यहाँ पे घास की खेती होती है, और ये जो घास जो है, जो ग्रास है, ये इसे ऊंट, बकरी, हॉर्स जो भी हैं, कैमल्स, ये सब ये खाते हैं। और एक बंडल ये काफी कॉस्टली बिकता है, 15 रियाल से 20 रियाल एक ये बंडल के हिसाब से बिकता है। और यहाँ पे कुछ खजूर की खेती है। यहाँ से थोड़ा ही दिखाई दे रहा है, जब मैं इसके नज़दीक में जाऊँगा पास में, तो इसकी एक पूरी वीडियो आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊँगा। जैसे बहुत और एजेंट होते हैं आजकल, छुट्टियां बना देते हैं। और आपको एक बात बता दूं, जो एजेंट लोग कहते हैं कि मजरा में काम है, तो मजरा तो हर किसी को पता नहीं है कि मजरा होता क्या है और मजरे में काम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मजरे के बारे में, कि मजरा वो होता है जहाँ पे खेती होती है। खेती किसी भी चीज की हो सकती है, यहाँ पे दो ही खेती होती है, एक हाँ। तो मजरा वो होता है, मजरा यहाँ पे बोलते हैं खेती बाड़ी की। खेती बाड़ी मतलब एक तो घास की खेती होती है, जैसे ये है, ये देखिए घास का फसल लगाया हुआ है, इसकी कटिंग होती है, बंडलिंग बनती है। अगर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा तो वहाँ पे देखिए बंडल बना के रखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पर, इधर हाँ देखिए, ये यहाँ पे घासों का ढेर लगा हुआ है, इस टाइप के ये बंडल बनाया जाता है, इसकी कटिंग होती है, और देखिए वो कटिंग करके छोड़ा हुआ है। और ये आपको जो क्या बोलते हैं, ये एक दिख रहा है जिसमें लंबा सा पाइप है, इसमें ये बारिश होती है, इसे बारिश करवाया जाता है, ये टाइम टू टाइम चलता है, इसकी टाइमिंग होती है, सुबह में एक राउंड घूमता है और शाम को एक राउंड घूमता है। यहाँ पे इसे बारिश करवाया जाता है, फसलों को पानी दिया जाता है। तो मजरा ये है, मजरा में क्या होता है, नंबर वन घास की भी खेती होती है, नंबर टू बकरी भी रखते हैं, नंबर थ्री ऊँट भी रखते हैं, नंबर फोर और हॉर्स वगैरह भी रखते हैं, नंबर फाइव बहुत ही कम ऐसे मतलब मजरा है जो गेहूं का भी फसल करते हैं। यहाँ पे गेहूं भी यहाँ पे बहुत अच्छे फसल में होता है, अच्छे मात्रा में होता है, उसकी भी काफ़ी यहाँ पे खेती होती है। तो जो लोग समझते हैं कि मजरा में बिल्कुल बैठ के रहना पड़ता है,
या जो लोग समझते हैं कि मजरा में बिल्कुल ऐस करते हैं, सो के रखते हैं, हम लोग सोए रहते हैं, तो जो भी अगर ऐसा बोलता है तो वो सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, मजरे का काम है खेती करना, बस आप इतना समझ लीजिए, मजरे का यही काम है। तो हम लोग अभी मजरा में आए हैं, जो ये हम बना रहे हैं, ये जो सेट बना रहे हैं, ये समझिए कि इसमें कुछ भी रख सकते हैं, पार्ट वाइज इसमें बकरी भी रख सकते हैं, ऊँट भी रख सकते हैं, मुर्गी भी रख सकते हैं और कबूतर भी रख सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या रखना चाहते हैं। और इसमें घास भी रख सकते हैं, जो मैंने आपको ये दिखाया ये फसल। ठीक है, तो हम यही ये गोदाम बना रहे हैं, अब मर्जी है इनकी ये किस तरीके से ये यूज़ करना चाहते हैं। और जो ये बारिश करने वाली जो मशीन है यहाँ पे लगी हुई है, इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। अभी तो सारे ये बंद हैं, लेकिन कल मॉर्निंग में ये चालू होंगे, तो मैं इनका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मजरे के बारे में और कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो मजरा बस आप यही समझ लीजिए, मजरा आराम का काम नहीं है, सोने का काम नहीं है, बहुत ही टफ काम है। और बहुत ही क्या बोलते हैं, अपने इंडिया में जो लोग हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हैं, जो एजेंट लोग बेवकूफ़ बना के भेज देते हैं कि जाओ भाई वहाँ पे मजरे में काम है, तुम्हें सो के रहना है, ये काम है, वो काम है, सोने का ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो मुझे अपने कैमरे से जितना जूम हो पा रहा है उतना आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ खजूर दिख रहे हैं और इधर जो है ये पानी की टंकी है, यहाँ से भी छोटे मोटे जो खजूर वगैरह पौधे लगे होते हैं, फल फ्रूट वाले जो भी हैं, यहाँ से इस पानी की टंकी से सप्लाई किया जाता है, इसमें मोटर भी है। तो आपको मैं बस अभी इतना ही दिखाऊंगा, बाकी इसके बारे में दोबारा से टॉपिक एक वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, फिर उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मजरा होता क्या है। और हाँ, एक चीज़ और आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, पता नहीं अभी तो काफ़ी ये दूर है, ये है जो बालू होता है, गोल्डन वाले बालू, जो अपने यहाँ बोलते हैं सोना डस्ट, वही है सोना डस्ट, प्योर बालू का पहाड़, इसमें कुछ भी पत्थर मिट्टी कुछ भी मिक्स नहीं है, ये नेचुरल है। आपको शायद इसमें दिखाई दे रहा होगा कि नहीं ठीक से, लेकिन ये वही है बालू का पहाड़, पूरा रेगिस्तान। चलिए तो फिर हम अपने काम के बाद। ओके फ्रेंड, तो आपको मैंने पहले बताया था और दिखाया था इसके पहले कि कैसे कैसे इसका मेजरमेंट हुआ है और कैसे कैसे हमने बनाया है, तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। पहले पूरा जो भी ट्यूब थे ऊपर में हम लोग रखे हुए थे ऐसे ही, इसको दो पार्ट्स में उठाए हुए थे, एक 18 मीटर और एक 12 मीटर, तो अभी दोनों को हमने ऊपर उठा के जॉइंट मार दिया। जॉइंट लगाने के बाद में अभी फिर से, अभी आप देखिए, इसको हमने सबको सेटिंग कर दिया है और इसका जो साइज है वो नीचे से ज़मीन से 3 मीटर 10 सेंटी एक तरफ है और दूसरे तरफ जो है वो 2 मीटर 95 सेंटी 15 सेंटी का इसमें हमने स्लोप दिया हुआ है। स्लोप इसलिए ताकि बारिश वगैरह में, अगर बरसात के मौसम में बारिश हो तो इसके ऊपर पानी इकट्ठा ना हो, अगर पानी इकट्ठा होगा तो नीचे पानी गिरने का, टपकने का चांस होगा, तो इसके लिए इसमें स्लोप देना ज़रूरी है। अगर आप लोग इस टाइप का काम जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि काम ये हमने कैसा किया है, काम अच्छा है ख़राब है, आप बता सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग इस तरीके का जो भी ये है आप होम यूज़ के लिए भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि प्रोफेशनल वर्क ही ऐसा होता है, अगर आपके पास छोटा स्पेस है, छोटा एरिया है, तो इस तरीके का आप लोग काम अपने अपने लिए भी बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसका मेजरमेंट। अगर किसी को बनाना है या सीखना है तो आप कमेंट करके बताना, इसका मैं मेजरमेंट जो है आप लोगों को बता दूंगा, किसी भी साइज में, फुट में आपको अगर समझ में आता है तो आप मेरे से फुट में भी सीख सकते हैं, कमेंट करके आप बताइए, मैं आपको इसका टोटल मेजरमेंट साइज फुट में भी आपको बता दूंगा।
अगर आपको सेंटीमीटर मीटर में अगर समझ आता है तो आप इसमें भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से, अब आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे हमने बनाया हुआ है और थोड़ा बहुत इसका मेजरमेंट बताऊंगा। अगर किसी को गल्फ में इस काम को करने में दिक्कत होती है या समझ नहीं आती तो आप इस बारे में मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है और मेरा ईमेल आईडी भी है, मेरे प्रोफाइल में आप जाके देख सकते हैं।